फिर से एक बार खबरों की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगा, एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करूंगा जिससे सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले से और कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा होर मची हुई है उस चीज़ को लेकर के। उस चीज़ के बारे में आज मैं इस विषय में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, विकास शर्मा। और विकास शर्मा के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि इससे कनेक्टेड जो केस है वो SSR प्लस अर्णव गोस्वामी और इसके जो पूरे चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी जी हैं, जो कहीं ना कहीं अभी इस मुद्दे पे शांत है। तो इस मुद्दे पे क्यों शांत है? इस कारण से कि सोशल मीडिया पे इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा बातें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले उनकी बहन ने एक पोस्ट शेयर करा था और पोस्ट में उन्होंने ये कहा था कि मेरा भाई बहुत दिनों से डिप्रेशन में था और उसकी स्थिति बहुत ही बुरी थी। बता दें दोस्तों कि विकास शर्मा एक बहुत ही नॉर्मल इंसान थे और बहुत ही सोच विचार करके अपनी जिंदगी को जीते थे और बहुत ही सुलझे हुए किस्म के इंसान थे। उनकी कुछ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को करते थे, पूरे डेडिकेशन के साथ। अर्णव गोस्वामी ने उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया था टीम लीडर बन करके और उनके हर एक कदम चिन्हों पर चल करके उनके बारे में भी बताया। दोस्तों, विकास शर्मा ने जिस तरह से सोशल मीडिया पे और SSR के जस्टिस के लिए इतनी सारी बातें कही, अर्णव गोस्वामी ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, लेकिन इस तरह से ये बात जो सामने आ रही है, विकास शर्मा डिप्रेशन में थे और उनको कोरोना संक्रमण हो गया था, लेकिन उनकी बहन की इस तरह का जो बयान आता है ट्विटर पे, वो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं कि मेरा भाई डिप्रेशन में था, उसे ठीक से अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पा रहा था। बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी उस चीज़ पर और उन्होंने ये भी कहा कि उसकी पत्नी के बीच में उसका मतभेद चलता था, वो अपने बच्चे को लेकर के चली जाती थी, लेकिन मेरा भाई उससे मिलना चाहता लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता था। बहुत सारी चीजें अपनी बहन ने PMO मोदी जी से भी गुहार की कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और आज फिर क्यों अर्णव गोस्वामी इस विषय में आकर के बात नहीं कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि एक बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों अर्णव गोस्वामी को लेकर के इस विषय में विकास शर्मा के, कि हो सकता है कि बहुत जल्द इस केस के भी बारे में अर्णव गोस्वामी अपने चैनल पे इस में बात करेंगे। और ये जायज भी है क्योंकि विकास शर्मा उनके ही टीम का मेंबर थे और उनके साथ इतने अच्छे तरीके से उन्होंने काम करा और इतनी ईमानदारी से, और बहुत ही शोक जाहिर करी थी जब विकास शर्मा इस तरह से अपने इस दुनिया से चले जाते हैं और इस तरह का इतना सारा जो माहौल बना हुआ था उनके स्टूडियो में और जिस तरह का इन्वायरमेंट एनर्जी, एक पैशनेटिक और किसी भी मुद्दे पे बेबाकी तरीके से खुलकर जो बातें किया करते थे, ऐसा एक एंकर होना सच में काफी मुश्किल है। आपको बता दें कि विकास शर्मा एक बहुत ही मध्यम परिवार से आते थे। उनकी भी एक छोटी सपने थे कि मुझे भी एक बड़ा इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, जिस कारण से वो छोटे छोटे चैनलों पे उन्होंने काम भी करा, लेकिन जिस तरह का उनका 2019 के बाद रिपब्लिक टीवी में जिस तरह की एंकरिंग और जिस तरह की बात और जिस तरह का मोटिवेशन उन्होंने अपने एंकरिंग तरीके से पूरे देश में बातों को खुलकर रखने की जो पावर थी, उसको देख करके पूरे देश में एक हड़कंप मच गई और जिस तरह से उनके फैंस और फॉलोअर जुड़ने लगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अर्णव गोस्वामी पालघर के मुद्दे को उठाते हैं, सुशांत के मुद्दे को उठाते हैं, क्या सिर्फ TRP के लिए? आज उनके साथ काम कर रहा जो विकास शर्मा है, जो उनका कलीग्स था, जो इस तरह की बातें आ रही हैं, क्या इस पर अर्णव गोस्वामी को ऑफिशियल स्टेटमेंट आकर के नहीं देना चाहिए कि सच में विकास शर्मा के साथ और उनकी सखी बहन ने जो बातें कही हैं, सच में ये एक पूरे देश में सनसनी फैलाने वाली बात है और इसमें अर्णव गोस्वामी को सामने आकर के सारी चीजों का खुलासा करना चाहिए कि क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है? क्योंकि हो सकता है कि रिपब्लिक टीवी के एंकर, चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी के ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं कि क्यों इस विषय में वो नहीं बोल रहे हैं, क्यों इस विषय में कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या कारण है कि आज अर्णव गोस्वामी इस विषय पे कुछ खुल करके बातें नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो पूरे देश भर की जनता, पूरे देश भर के लोग इस चीज को जानना चाहते हैं। तो आप अपनी विचार भी व्यक्त कीजिएगा इस विषय में कि क्यों अर्णव गोस्वामी अभी तक उनका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है और रिपब्लिक टीवी पे इस न्यूज को क्यों हाईलाइट नहीं करा जा रहा है जब उनकी सखी बहन इस चीज को आगे उठा रही है। तो क्या इसलिए कि हो सकता है कि अर्णव गोस्वामी की बदनामी या फिर रिपब्लिक टीवी के जो चैनल है उसकी बदनामी होगी, इस कारण से क्या इस विषय को, इस मुद्दे को सामने नहीं ला जा रहा है? तो अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा इस विषय में जरूर। दोस्तों, दीपिका पादुकोण हमेशा ड्रग्स को लेकर के, कभी NCB दफ्तर के ऑफिस में जाने को लेकर के, कभी माल है क्या, हैश है क्या, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कंट्रोवर्सी में रहती हैं, अपनी फिल्मों को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के, छपाक में जो इस तरह का उनका जो दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में जाकर के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल करके जो बातें कही पैसे लेकर के, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के कंट्रोवर्सी में रहती हैं। और उनका सुबह से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तरह की बातें कही जा रही हैं। तो इस वीडियो में क्या होता है कि जब वो कैफे से निकलती हैं तो उनके बैग को किस तरह से कोई धक्का मार करके छीनने की कोशिश करता है और किस तरह से ये सोशल मीडिया पे वायरल होती है, आइए इस वीडियो को देखिए पहले। अरे हाँ
हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाथ जोड़, अरे हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाथ जोड़, अरे हाथ जोड़, हाथ जोड़, हाथ जोड़, अरे परस में से निकाल रखा, अरे भाई चेक करो, चेक करो, चेक करो। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, क्या ऐसे जिंदगी जीना सही है, क्या ऐसे लाइफ जीना सही है। जब इंसान खुल के अपनी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाता हो, जब कहीं जाओ आप और आपको कोई ऐसे घेर ले और आपके साथ ऐसे धक्का मुक्की करे, तो क्या आप इसको लाइफ कहते हैं, क्या इसको आप अपनी ज़िंदगी एक खुली ज़िंदगी कहते हैं, क्या आप इसको कहते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रहा हूँ। जब इंसान खुल के भी नहीं जी सकता, हर समय भीड़, कैमरा, लाइट, एक्शन, मतलब क्या है लाइफ, इस पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा इस विषय में कि आपका क्या सोचना है। मुंबई के गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में उन्होंने कैसे कहा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो लगा है और उसमें बम होता है और एक चिट्ठी होती है और ये किसका स्कॉर्पियो है। इस विषय में अनिल देशमुख का पूरी तरह से बयान आता है कि इसकी जाँच हो रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आइए इस वीडियो को देखिए। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है, उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है, इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। दोस्तों हमारा ओपिनियन यही कहता है, हमारा एक विचार ये कहता है कि मुंबई में SSR की भी इस तरह से मृत्यु हो गई, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरे देश भर में इस तरह की बातें हो रही थी, बहुत तरह की बातें हुई मुंबई पुलिस के बारे में, बहुत सारे लोगों ने कही, तो क्या ये दायित्व नहीं बनता है अनिल देशमुख का कि वो आ करके ये कहें कि सच में क्या बात है, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ये बात कर रही है, क्या खुल करके इस विषय में बात नहीं करना है कि हमारे देश में सिर्फ बड़े लोगों को, बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे वाले, उनके साथ अगर कुछ गलत हो तभी वो आकर के बोलेंगे, तभी वो न्यूज में बातें छपे। क्या ऐसे लोगों का कोई दायित्व नहीं होता कि अगर छोटे लोगों के साथ अगर कुछ होता है, जिसके पास पैसे नहीं है, क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय में आपका क्या विचार है, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा इस वीडियो में जरूर। दोस्तों लास्ट में यही बात करना चाहूंगा कि विकास शर्मा इतने हाई प्रोफाइल, एक हैंडसम पर्सनालिटी, एक एनर्जेटिक, एक एंथुसियास्टिक एंकर इस तरह से चला जाता है, तो अर्णव गोस्वामी का यही अपील करती है पूरे देश, पूरी जनता कि वो आपके साथ काम करता था, उसके लिए उसकी बहन जस्टिस फॉर विकास शर्मा अगर कर रही है, पूरे देश से होर लगी हुई है कि विकास शर्मा के साथ सच में क्या हुआ था, इसकी पता करें और उनको इंसाफ दिलवाएं। और जो इंसाफ की बात करते हैं अर्णव गोस्वामी जी, तो कृपया आप लोग से, आपसे निवेदन है पूरे देश की तरफ से और पूरे जनता की तरफ से कि आप इस केस के बारे में खुलकर बात करें और इस केस को हाईलाइट करें, और जो इसमें कल्प्रिट हैं, इस तरह की बातें, मेम्स जो बन रही हैं, ये गलत है, अगर गलत है तो इस पर आकर के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं और विकास शर्मा की जो वीडियो इस तरह की वायरल हो रही है, जिस तरह से वो एक सूखी रोटी किस तरह से वो खाते हैं और ये बताते हैं कि मैं, ये जो बुरा वक्त है वो भी चला जाएगा, बहुत बड़ा घर है, जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ गूंजती है, जिम मैं बोलता हूँ और मैं ही सुनता हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है दोस्तों कि वो अपने लाइफ में ज़रूर डिप्रेशन में है, कुछ चीज़ों को लेकर के सच में बहुत परेशान है, जो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जो पूरे देश को इंसाफ की आवाज़ के लिए उठाता हो, जो अपने देश में जो हो रहे बुराइयों के लिए आवाज़ उठाता हो, जो टीवी पर आकर के पूरे देश में पूरे चीख चीख करके बोलता हो कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, किसी को इस तरह से खुलेआम ललकार देना और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरह से डिप्रेस परेशान है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और सोचने वाली बात है। और इस पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि अर्णव गोस्वामी सामने आए और इस विषय में खुल करके ऑफिशियल स्टेटमेंट दें कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, इस पे अपनी विचार व्यक्त करें अर्णव गोस्वामी जी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।